नमस्कार सभी को। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, तो पहला है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष का। और विधान परिषद के सदस्य को MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसकी नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2009 में। और आपको बता दें कि यह 1 अप्रैल 2010 को संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत शुरू किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये 21 के ए में है, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर किसी का भी प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता अथवा संप्रभुता का लक्षण नहीं है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवशिष्टता। और संप्रभुता का मतलब होता है संपूर्ण, सभी तरीके से सत्ता में होना, यानी शक्तिशाली होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन से। और ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाता है कि संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है या फिर बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 में, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, और मौलिक अधिकारों में भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का संघ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और अनुच्छेद 1 में ही भारत को इंडिया अथवा भारत नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचक पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा। और इस मार्लो मिंटो सुधार को ही भारत सरकार अधिनियम 1909 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। और उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव से ही हमारी उद्देश्यिका का निर्माण हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले प्रश्न आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर किसी नोट्स अथवा PDF फाइल की आवश्यकता है तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।